ऑडिबल है अभी? यस मैम। अंजलि वीडियो ऑन करो। एक मिनट वेट करते ना, जहां पे थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है मेरे को बता देना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अंकित अरोरा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आईडीटी के साथ। ऐसा कौन है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, कभी नहीं पढ़ा जीएसटी? ऐसा कोई है कि जीएसटी नहीं पढ़ा या फिर अटेम्प्ट ही पहला है? अंजलि का पहला अटेम्प्ट है, जीएसटी करा ही नहीं कभी भी। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो खुद को। ऑफिस में है? अच्छा, नॉडिंग करके बताओ। पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है ना जीएसटी? ठीक है, तुम्हारा ऑफिस का अलग से मुझे एक बार टाइम बताना कि तुम ऐसे रोज ऑफिस से पढ़ पाओगी आज के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट डीटी, डीटी पढ़ने का तरीका इंटायरली डिफरेंट होता है। जब हम बात करते हैं आईडीटी की, आईडीटी पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि आईडीटी जो है, हम आईडीटी क्या करेंगे, इंडिविजुअली चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी अगर हम चैप्टर वाइज आईडीटी को पढ़ने जाएंगे। क्योंकि आईडीटी चैप्टर वाइज पढ़ा नहीं जा सकता है। जब हम क्वेश्चन नंबर वन की बात करेंगे आईडीटी में, तो क्वेश्चन नंबर वन में सबसे पहले मिलेगा तुमको सप्लाई, सप्लाई के साथ मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके साथ मिलेगा तुमको वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी मिलेगा, आईटीसी के साथ पेमेंट ऑफ टैक्स मिलेगा, आरसीएम मिलेगा, मेगा एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब कुछ मत करो, क्वेश्चन नंबर वन में तुम्हें कम से कम मिनिमम 7 चैप्टर्स का कंपाइलेशन मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तुम इस अटेम्प्ट का पेपर उठाओ, इससे पहले अटेम्प्ट का पेपर उठाओ। हाँ, ये हो सकता है कि अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा वहां पे मेगा एग्जेम्पशन की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस अटेम्प्ट में मेगा एग्जेम्पशन उन्होंने दे दिया बहुत सारा। पर हम आईसीआई पे भरोसा करने की गलती कभी नहीं करेंगे क्योंकि आईसीआई का भरोसा हमको है ही नहीं, वो कब क्या कर जाए हमको भी नहीं पता। तो ये समझो, जब हम बात करते हैं जीएसटी, और जीएसटी में मैं किसकी बात कर रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ किसकी, क्वेश्चन नंबर वन की। व्हेन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर वन इन जीएसटी, तो क्वेश्चन नंबर वन में कौन कौन सी चीजें तुम्हें मिलेंगी ही मिलेगी। तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई मिलेगा, तुम्हें वैल्यू ऑफ सप्लाई मिलेगा, तुम्हें सप्लाई चैप्टर मिलेगा, तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मिलेगा, इसके अलावा तुम्हें पेमेंट ऑफ टैक्स मिलेगा, और ये ही नहीं तुम्हें आईटीसी भी मिलेगा और साथ में मेगा एग्जेम्पशन मिलेगा। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, सिर्फ एक लौता क्वेश्चन नंबर वन कितने चैप्टर्स का कंपाइलेशन है? 7 चैप्टर्स का ये कंपाइलेशन। इससे तुम यहीं से जज कर जाओ कि तुम्हें आईडीटी को शुरू से डे वन से लिंकेज में करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना हमारा आईडीटी स्ट्रांग है, तो तुम 100 मार्क्स का अटेम्प्ट भी करके आते हो और उसके बाद जब तुमको मार्क्स आते हैं ना 35, तब समझ में आता है कि अभी भी कहीं पे कुछ चीज छूट गई है। क्योंकि आप जज नहीं कर पाते हो कि कहाँ पे आपको ये देखना है कि एक्चुअल में आरसीएम लग रहा था, की फॉरवर्ड चार्ज लग रहा था, या फिर बेचारा निल रेट पे था, या जीरो रेटेड सप्लाई था, किस तरह के सप्लाई हैं यहाँ पे जीएसटी में। तुम सिर्फ जानते हो इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं,
सप्लाई इंटरस्टेट भी है, सप्लाई इंट्रास्टेट भी है, सप्लाई टेरिटोरियल भी है, सप्लाई निल रेटेड भी है, सप्लाई जीरो रेटेड भी है, सप्लाई कंपोजिशन वाला भी है, मिक्स्ड भी है, ऐसे करके तुम्हें देखना होगा और वो क्वेश्चन नंबर वन स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसे नहीं सॉल्व करोगे तो 100% मैं आज लिख के देती हूँ कि 14 में से तुम्हें 2 या 4 नंबर ही आएंगे, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते जीएसटी में क्वेश्चन नंबर वन में। तो पॉइंट नंबर वन जो मेरा है, शुरू के 15-20 मिनट में तुम्हें जीएसटी क्या है एक्चुअल में समझा रही हूँ। सबसे पहले समझ लो पॉइंट नंबर वन, हम जीएसटी को चैप्टर वाइज पढ़ने की गलती नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जेम्पशन बैच है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड जाना ही होगा। चैप्टर वाइज पढ़ने पे आप लिंक नहीं समझ पाओगे। तो पॉइंट नंबर वन, तुम्हें इस चीज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि 100% कोर्स का कवरेज होगा लेकिन लिंकेज के साथ ही होगा। कहीं पे तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अरे अभी आगे की चीज तो मुझे पता ही नहीं है, तुम बस ट्रस्ट करना जितना बोलो तुम्हें हर एक चीज समझ में आएगी लेकिन लिंकेज के साथ ही समझ में आएगी। तो पॉइंट नंबर वन, लिंकेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जीएसटी। डीटी में मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि डीटी के इंडिविजुअल चैप्टर होते हैं, पर जीएसटी इंडिविजुअल कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो इंडिविजुअल पढ़ा रहा है या तुम लोग अगर इंडिविजुअल पढ़ रहे हो तो तुम अपने अटेम्प्ट के साथ एक रिस्क लेते हो, क्लियर है। प्रियंका म्यूट करके रखा करो, जब नहीं बोल रहे हो ना तो म्यूट कर दिया करो, अभी कर दिया मैंने। सेकंड नंबर चीज, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है वो भी पता होना जरूरी है। जैसे हमने डीटी में देखा वैसे ही अभी आईडीटी में देखेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, अभी अभी मैंने तुमको बताया कि कम से कम कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर का क्या है कंपाइलेशन है, वो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन वन। Then coming to question number two, 100% value of supply plus तुम्हारा क्या होगा value of supply के साथ कोई एक चीज जोड़ के वो देगा। अगर value of supply नहीं देगा तो वो registration के साथ तुमको क्या देगा, कोई चीज जोड़ के देगा। मतलब question number two 2 chapter का compilation होता है। I can't guarantee कि it would be only value of supply, पर question number two 2 chapters का compilation होगा। वो कोई भी chapter होंगे नहीं, वो मॉड्यूल नंबर वन के ही चैप्टर होंगे। अब अगर तुमने जीएसटी में अपने ही आईसीआई के मॉड्यूल के दर्शन नहीं किए तो वो भी गलत बात है, क्योंकि आज तक मुझे इससे अच्छी बुक जीएसटी की मिली ही नहीं है। ना बांगर इतनी अच्छी है, ना कोई और बुक इतनी अच्छी जितनी अच्छी हमारी जीएसटी की। पहली बार आईसीआई ने अगर कोई अच्छी बुक बनाई है तो वो जीएसटी की बुक बनी। तो जीएसटी की वो बुक यूज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऑटोमेटिक चीजें इतनी इजी हो जाएंगी। उसमें बेयर एक्ट भी दिया है, उसके बाद उसका एनालिसिस भी दिया है, एनालिसिस के बाद लेट्स रिकैप्चुलेट भी देके रखा है। तो इससे ज्यादा किसी को और कुछ नहीं चाहिए होता। तो जीएसटी की बुक जो हमारी रेफर होगी वो पूरी तरह से स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक बांगर के होंगे, क्योंकि बांगर का ही फॉर्मेट आईसीआई क्या करता है फॉलो करता है, क्वेश्चन बांगर से ही आते हैं। उसी के फॉर्मेट के क्वेश्चन तुमको एज इट इज किस में मिलेंगे, जीएसटी के पेपर में मिलेंगे। तो तुमको बांगर का कंपाइलर रखना अपने पास जरूरी है। मेन बुक मत लेना, सिर्फ कंपाइलर लेना, मोर देन सफिशिएंट कंपाइलर है। जितनी भी बैचेस अब तक मैंने लिए सिर्फ बांगर का कंपाइलर ही है, और आई एम प्राउड टू अनाउंस 100% रिजल्ट हमेशा बैच का रहा। तो ट्रस्ट करके सिर्फ बांगर पे ट्रस्ट करना। तो पॉइंट नंबर वन था क्वेश्चन वन, तुम्हारे 7 chapters का कंपाइलेशन है। क्वेश्चन नंबर टू जो है तुम्हारा, वो भी किसी भी 2 chapter का कंपाइलेशन है, और वो 2 chapter कहीं और से नहीं होंगे, वो 101% मॉड्यूल नंबर वन से होगा। अब मैम मॉड्यूल नंबर वन में क्या क्या है, तो हमारा मॉड्यूल नंबर वन मतलब स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल नंबर वन, जिसमें सबसे पहला चैप्टर तुमको इम्पोर्टेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, चार्ज ऑफ जीएसटी है, उसमें सप्लाई चैप्टर है, फिर उसके बाद उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, ये सारे चैप्टर और मेगा एग्जेम्पशन। मतलब क्वेश्चन नंबर टू इनका ही कंपाइलेशन, कोई 2 chapters का कंपाइलेशन ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू होता है। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री से कहानी स्टार्ट होती है इंडिविजुअल चीजों की। मतलब क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू 101% 2 chapters का कंपाइलेशन है, और क्वेश्चन नंबर थ्री से इंडिविजुअल चैप्टर चालू होते हैं। उसमें भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 जो रहता है तुम्हारा, जो थर्ड वाला मॉड्यूल है मैम, थर्ड मॉड्यूल में क्या है, अपील एंड रिविजन है।
थर्ड मॉड्यूल में तुम्हारा जॉब वर्कर है, थर्ड मॉड्यूल में तुम्हारा डिमांड एंड रिकवरी है, मतलब लास्ट का जो थर्ड मॉड्यूल है ना वो वाले तुमको फिफ्थ और सिक्स में क्वेश्चन मिलते हैं, और वो क्वेश्चन केस स्टडी वाले होते हैं। टफ होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टफ नहीं होता। अगर तुमने तरीके से मॉड्यूल नंबर थ्री को कवर किया है तो तरीके से मॉड्यूल नंबर थ्री को तुम कवर करके क्या कर सकते हो, इजी स्कोर कर सकते हो। किसमें? तुम्हारा स्कोरिंग इजी हो जाएगी आईडीटी। फिर आते हैं हम कैसे समझे। देखो सी जो होता है ना एबीसी, क्वेश्चन नंबर टू दो क्वेश्चन का ही होता है, क्वेश्चन नंबर थ्री से कहानी चालू होती है, एबीसी 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 इसकी। ये सब मैं तुम्हें लिखा हुआ दूंगी मेरे बने हुए, अभी सिर्फ सुनते जाओ आज के लिए, क्योंकि जो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे एटलीस्ट उनको इतना पता होना चाहिए कि पेपर ऐसा होता है, ताकि उस हिसाब से खुद की प्रिपरेशन कर लेना। इस क्वेश्चन नंबर थ्री से तुम्हारा एबीसी चालू होता है, ए बी सी क्वेश्चन, और सी क्वेश्चन हमेशा तुम्हारा कस्टम का ही मिलेगा तुमको। अगर उन्होंने सी क्वेश्चन कस्टम का किया है तो चाहे क्वेश्चन फोर हो फाइव हो सिक्स हो, हमेशा सी में ही कस्टम मिलेगा। अगर बाय चांस उन्होंने बी पे क्या कर दिया, कस्टम दे दिया, तो चाहे फिर फोर फाइव सिक्स हो, बी पे ही तुम्हें क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कस्टम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे फ्रेम करते हैं वो जीएसटी का पेपर। एफटीपी की बात करें तो एफटीपी आना होगा तो मैक्सिमम फाइव मार्क्स का आएगा, और एफटीपी नहीं आना होगा तो जीरो मार्क्स का आएगा। तो अभी तक का अटेम्प्ट का जो क्राइटेरिया ये रहा है, जब से एमसीक्यू आ गए तो एफटीपी पता नहीं क्यों उनको अचानक से ऐसा लगा है कि दो मार्क्स का ही देना चाहिए, कभी तो एक मार्क्स का ही दिया, पांच नंबर का आना भी छूट गया। पर हम आईसीआई पे अगेन ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ये बता दूं कि एफटीपी जब तुम करो तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एरियाज एफटीपी के तुम्हें क्या करने रहेंगे, टच करने रहेंगे। अब पॉइंट नंबर वन हो गया, क्वेश्चन वन किसका होता है, क्वेश्चन नंबर टू दो चैप्टर्स का कंपाइलेशन होता है, थर्ड से तुम्हारा इंडिविजुअल चालू होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कैसा होता है। पॉइंट नंबर टू में ये था कि अगर बी पे कस्टम दिया है तो पूरे पेपर में बी नंबर का जो क्वेश्चन होगा कस्टम का ही रहने वाला है। लास्ट लास्ट के क्वेश्चन हमेशा तुम्हारे मॉड्यूल नंबर थ्री के होते हैं, उसके अलावा किसी के नहीं होते। मैम इतना बताने की क्या कोई खास जरूरत थी? 101% जरूरत थी, तभी तो मैंने ये टाइम लगाया है। जनरली बोला जाता है कि रीडिंग के लिए 15 मिनट्स मिलते हैं मुझे। मुझे आज तक ऐसा पता है कि रीडिंग के लिए 15 मिनट्स मिलते हैं, और जनरली स्टूडेंट भी ये मान के चलते कि 15 मिनट रीडिंग का मुझे पेपर में मिलता है। मैं क्लियरली प्रिसाइसली पिछले बैच में भी थे, इनको पता है कि 15 मिनट तुम्हें नहीं मिलते, 3 मिनट सीधे सीधे रोल नंबर भरने के हटा लो। और आजकल तो आईसीआई ने नया चालू किया कैलकुलेटर की डिजाइन का, तुमको रोल नंबर लिखना है, मतलब वो लॉजिक तो मुझे समझ भी नहीं है। कैलकुलेटर में जैसे 2 लिखा होता है वैसे ही तुमको पेपर में भी 2 वैसा ही लिखना है, नहीं तो उनके लिए वो वैलिड ही नहीं है। ये नई चीजें उन्होंने स्टार्ट की, तो हमारा आईसीआई है उसको शख्सत नमन है, हटा दो। तो 3 मिनट तो तुमको डिजाइनिंग करने में निकल जाएंगे, 1, 2, 3 अलग कैलीग्राफी भी करनी है वहां पे तुमको अब जाके। तो एक्चुअल में 15 मिनट्स रीडिंग के नहीं है। अब अगर हमें मैथ्स आता है तो 15 में से आजकल 3 माइनस होके तो 12 मिनट ही बचते हैं। तो एक्चुअल में पेपर रीडिंग के लिए बचा कितना, सिर्फ 12 मिनट्स तुम्हारे पास पेपर के रीडिंग के लिए होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब पेपर की रीडिंग करने में सबसे पहले क्या करना है, डिविजन करना है मुझे, कैसे 12 मिनट्स को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है 3-3 मिनट्स में। पहले का 3 मिनट्स आईडीटी के लिए स्पेशली मैं 3 मिनट बोल रही हूँ, डीटी के लिए मैं 2 मिनट ही बोलती हूँ। आईडीटी के लिए तुमको सबसे पहले 3 मिनट में क्या करना होगा, और ये प्रैक्टिस तुम्हें ड्यूरिंग दिस 40 डेज कम से कम 5-6 पेपर मेरे साथ ऐसे एनालिसिस करना सीखने होंगे। अभी मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि फर्स्ट डे जिसको नहीं ज्वाइन करना सिर्फ फर्स्ट डे सुनने के लिए, तो उसको पता हो कि ये चीजें खुद से प्रैक्टिस भाई कर लेना। सबसे पहले जैसे ही तुम्हारे पास ये क्या आ गया, पेपर आ गया, तो तुम्हारे पास क्या है, राइटिंग पेपर जो रहता है उसमें एक कॉलम बनाना साइड में छोटा सा, और देखना क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप करना। कुछ नहीं पढ़ना मुझे, कुछ भी नहीं करना, जैसे ही मुझे आईडीटी का पेपर मिला मैंने क्वेश्चन नंबर वन की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट चेक की। चेक करो वो क्या बोल रहा है, जीएसटी की लाइबिलिटी निकालने का बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो 101% तो उसने क्या दी होगी, जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने को। अब समझो एक चीज, भाई ने क्या बोल दिया कि जीएसटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट करके दे दो, जीएसटी की लाइबिलिटी कैलकुलेट करके दे दो, इतनी सी बात उसने बोली है। लेकिन तुम समझो ना,
जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा सामने वाली चीज सप्लाई है या नहीं, तुम जीएसटी लगा कैसे सकते हो, क्योंकि जीएसटी लगाने के लिए फॉरमोस्ट चीज चाहिए कि सप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब पहला चैप्टर कौन जंप कर गया तुम्हारे लिए, सप्लाई। फिर सप्लाई भी तभी होगा जब सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो। ये बात जो अब मैं बोलूँ ना पूरे कान लगा के सुनना है, मैं स्टेप्स ही एक बार डिस्कस कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर वन करने गई, मैंने देखा सबसे पहले मुझे जज करना है सप्लाई है या नहीं है। भाई सप्लाई तो गुड्स या सर्विस का होना चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, मेरा जीएसटी का फुल फॉर्म। पर ये गुड्स वो गुड्स नहीं है जो तुम गुड्स समझते हो। गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी में देख के रखिए। तो सप्लाई जैसे ही तुम किसी चीज को बोलने लगो उससे पहले चीज को पकड़ के देखना, भाई तू गुड्स भी है या नहीं जीएसटी की लैंग्वेज में। इसका मतलब जब क्वेश्चन नंबर वन तुम सॉल्व कर रहे हो, यू हैव टू चेक कि वो जीएसटी का गुड्स है या नहीं। जीएसटी ने कहीं बाहर तो नहीं करके रखा उसको, क्योंकि जीएसटी में सबसे पहले दरवाजे बंद करके रखे हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। है ही नहीं, जीएसटी लगेगा ही नहीं जीवन में उसपे, क्योंकि जो आर्टिकल है 369A उसने क्लियरली बोला है जीएसटी अप्लाइज ऑन गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब आ ही रहा था वो और बोल दिया भाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तेरे पे जिंदगी में कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि जीएसटी का हाईएस्ट रेट तो 28% जाता है और जो अल्कोहल वाले हैं उनपे तो 50-60-70% तक भी टैक्स लगाते हैं, तो क्यों गवर्नमेंट अपना लॉस करेगी। तो तुम्हें चेक करना होगा सबसे पहला अल्कोहलिक लिकर तो गुड्स ही नहीं है, और जो चीज गुड्स ही नहीं है उस पर जीएसटी लग ही नहीं सकता। तो आर यू गेटिंग नंबर वन थिंग, सप्लाई से पहले तो ये चेक कर लो कि भाई साहब वो गुड्स हैवी या सर्विस हैवी या नहीं है। और कौन कौन सी चीजें मैम बाहर करके रखी, 5 चीजें और है। 5 चीजें क्या है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। ये 5 चीजें यहाँ पे हैं। इसको भी क्या बोला है, जीएसटी में तो ले लिया लेकिन क्या बोला है? अभी तेरे पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, जीएसटी काउंसिल से डिस्कशन होगा, जब जीएसटी काउंसिल बोलेगा तब जीएसटी लगेगा। तो पॉइंट नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करने के लिए भी तुमको ये देखना पड़ेगा क्या ये जीएसटी की नजर में गुड्स है या नहीं है। अगर ये जीएसटी की नजर में गुड्स है तो अब चेक करो इस गुड्स का एक्चुअली सप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तब तुम्हारे कौन सा आएगा, चैप्टर नंबर सप्लाई। ये 2 चैप्टर करे, गुड्स चेक कर लिया, सप्लाई चेक कर लिया। अब तुमने जैसे ही बोला रही ये तो सप्लाई है, तुम्हें दिमाग में एक बार रुक के सोचना पड़ेगा कहीं नील रेट पे तो नहीं है, कहीं मेगा एग्जेम्पशन में तो कवर नहीं करके रखा है। अगर चीज को मेगा एग्जेम्पशन में भाई साहब ने कवर किया है तो भले ही सप्लाई है, तुम जीएसटी लगाने की गलती मत करना, क्योंकि जो मेगा एग्जेम्प्ट है उस पे आईटीसी भी नहीं मिलेगा। जब तुमने टैक्स दिया ही नहीं तो तुमको आईटीसी कैसे मिलेगा। ये मैं पूरा एक पूरे जीएसटी को सॉल्व करने का आज मैं लिंकेज बोल रही हूँ, तो जिसको थोड़ा भी जीएसटी पता होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे ही सॉल्व होता है। तो पॉइंट नंबर वन, तुम गुड्स देखोगे गुड्स और सर्विस है कि नहीं। पॉइंट नंबर 2, सप्लाई बोलोगे सप्लाई की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है नहीं। सप्लाई होने के बाद भी फिर 3rd नंबर पे चेक करना कहीं निल रेट तो नहीं है, मेगा एग्जेम्पशन में तो नहीं आता ये। 3री चीज चेक करे कि नहीं भाई मेगा एग्जेम्पशन में तो नहीं आता, मुझे टैक्स लगाना ही है। जैसे ही टैक्स लगाने जाओगे मैं फिर हाथ रोक के बोलूंगी रुको चेक कर लो आरसीएम तो नहीं लगता इस पे। एकदम से फॉरवर्ड चार्ज पे मत चले जाना, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है, तुम टैक्स नहीं पे करते हो सप्लायर। तो 4th पेज पे तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चेक किया, मैं आईटीसी के कैलकुलेशन पे जा ही रही थी, फिर चेक करो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5। मैम सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या था, ब्लॉक्ड क्रेडिट। कहीं इन चीजों का क्रेडिट ब्लॉक तो नहीं करके रखा, तो यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा कहीं चीजें ब्लॉक्ड तो नहीं है। और डिटेल में जाऊं तो अभी जब आज तुम्हें सप्लाई की डेफिनेशन कराऊंगी, सप्लाई की डेफिनेशन में शेड्यूल नंबर 3 है, कई जगह तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा चीजें गुड्स भी होंगी, तुम्हें दिखेगा भी सप्लाई है, फिर अचानक से याद आएगा अरे शेड्यूल नंबर 3 नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस करके बैठा है उसको। तो आर यू गेटिंग, जब भी तुम क्वेश्चन नंबर 1 करोगे पॉइंट बाय पॉइंट तुमको करना होगा, ये सोचना होगा, तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा। ऐसे 1 बाय 1 चैप्टर्स क्या होते जाते हैं, आगे खड़े होते जाते, फिर जाके तुम टेक्स्ट निकालते।
अब ये लोग डायरेक्ट ये भी नहीं देते कि जीएसटी की लाइबिलिटी निकालो, आजकल नया हो गया है, क्वेश्चन में वो ये लिख के देंगे, ये बताओ कि कैश लेजर से कैसे पेमेंट करा जाए, कितना पेमेंट तुम्हें कैश लेजर में करना पड़ेगा। मैम कैश लेजर में पेमेंट करने का मतलब क्या, ई कैश लेजर से पे करवा रहे? तुम ही सोचो, मुझे 10 लाख रुपीस का टैक्स पे करना था, आईटीसी मेरे पास कितना है, आईटीसी मेरे पास सपोज करो 6 लाख रुपीज है, 10 लाख मुझे पे करना है, मेरा आईटीसी जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 6 लाख रुपीज का है, ऑब्वियस है ना, 4 लाख अब मुझे कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। और तुम वो 4 लाख पे कैसे पहुंचोगे निक्की? तुम उन 4 लाख पे पहुंचोगे जब तुम क्या करोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी प्रॉपर करोगे, सेक्शन नंबर 49 लगाओगे, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिकली 7 चैप्टर आ ही जाते, तुम कितना भी रोकना चाहो, क्वेश्चन नंबर 1 7 चैप्टर से ही मिलके बना। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का दर्शन। इसका मतलब जब तुम खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक पूरा जीएसटी खत्म नहीं होता। आईटीसी इसीलिए जनरली कुछ लोग ऐसा है कि 3rd 4th चैप्टर आईटीसी उठा लेते हैं, पर मेहताब को भी शायद पता है कि हमने पिछले क्लास में भी सबसे लास्ट आईटीसी को इसीलिए उठाया था क्योंकि आईटीसी में जमाने भर के सारे चैप्टर भर के रखे हैं जीएसटी के, और आईटीसी एक दिन का चैप्टर है समझने के लिए, पर क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब सारे के सारे चैप्टर्स तुम कर चुके होगे, तब आईटीसी कवर होते। तो हमारी क्लास में भी सबसे आखिरी कवर होगा आईटीसी, जब तुम सारी चीजों पे प्रिसाइज हो चुके होगे तब लास्ट में हम आईटीसी को कवर करेंगे। अब आ जाते हैं रीडिंग में, तुम्हें बता रही थी कि रीडिंग कैसे करना है पेपर की, 12 मिनट तुम्हारे पास एग्जैक्ट होंगे, उस 12 मिनट में से पहले 3 मिनट तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप करो हर चैप्टर के, हर क्वेश्चन के। रिक्वायरमेंट देख के तुम्हें समझ तो आ जाएगा भाई कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है या फिर टैक्स लाइबिलिटी है या रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, आरसीएम का, कुछ नहीं तो कुछ तो समझ में आएगा कि इन इन टॉपिक से मुझे क्वेश्चन दे के रखा है। तुमको क्या करना है, जल्दी जल्दी नोट करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के ए में मुझको बोला है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने को, बी में सपोज करो वैलिडिटी पूछिए वैलिड है या नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई की, करके इतना ही लिखना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 6 तक ऐसे ही चीजें क्या करते जाना, 3 मिनट के अंदर लिखते जाना है। ये 3 मिनट के अंदर लिखने से होगा क्या, वो जो 25 पेज का या 20 पेज का तुम्हारा पेपर है, तुमने इतने से मैं एटलीस्ट टॉपिक तो कवर कर लिए कि 3 मिनट में ये मेरे टॉपिक है जो इस पेपर में मुझे देख के रखे गए हैं। अब जीवन में ऐसा हुआ कि हम तो चले थे एबीसी एनालिसिस के भरोसे, जॉब वर्कर हमने छोड़ दिया, तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पॉइंट जॉब वर्कर का अभी मैं नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं। तो तुम जंप करोगे उन क्वेश्चंस पे, तुम्हें पता है अरे प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत स्ट्रांग है, अरे वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरा बहुत स्ट्रांग है, कस्टम में ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन दिया ये मेरा बहुत स्ट्रांग है, ये जो छोटा सा तुमने एक माइंड मैप बनाया ना, तुम अब जंप करो उस क्वेश्चन पे, वो टॉपिक पे जो तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब अगले 3 मिनट में तुमको क्या करना है, अब तुमको अगले 3 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट में तो तुम पहले डिसाइड कर लोगे कि 2-3 में से कौन से क्वेश्चन को अब तुम्हें सबसे पहले पढ़ने जाना है। अब नेक्स्ट 3 मिनट में क्या करो, पढ़ो उस क्वेश्चन को कि जैसे ही 2 बजे की पेपर खुलते से अब क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यू हैव टू बी सो प्रिसाइज क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर अटेम्प्ट दे चुके हो कि पेपर छूटना आम बात है आईसीआई के पेपर में, और वो छूटता इसलिए क्योंकि अगर तुमने ये 12 मिनट अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, इतने अच्छे से पढ़ लिए कि बस 2 बजते से सॉल्व करना स्टार्ट करना, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे वो जो 3 घंटे ना उसमें से वो तुम्हारे 10 मिनट बचा रहे, और वो 10 मिनट मतलब लास्ट के 10 मिनट जिसमें तुम एक क्वेश्चन छोड़ के आते। अब आईसीएआई ने टफ इतना नहीं रखा, 2 से 5 में तुमको तो एमसीक्यू के भी तो क्वेश्चन पढ़ने, और वो क्वेश्चन नहीं नहीं करके मान के चलो 15 मिनट तो तुम्हारे खाते ही होंगे क्वेश्चंस पढ़ने में। तो एग्जैक्टली तुम देख लो ना तुम क्या करते हो, अगर 10 मिनट ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे रीडिंग के, 10 मिनट तुम उधर एक क्वेश्चन पढ़ने में भी लगाओगे, 15 मिनट के एमसीक्यू पढ़ने में भी लगाओगे, नहीं नहीं करके आधे घंटे मान लो पूरे तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ने के गए उन 3 घंटे में से, तो तुम्हारे पास लिखने के लिए कितना टाइम है, सिर्फ 2.5 घंटे तुम्हारे पास लिखने के लिए होते हैं।
तो यू हैव टू बी सो कैलकुलेटिव कि कहाँ एक एक मिनट मुझे वहां पे यूटिलाइज करना है. इसलिए पूरी प्रैक्टिस यहीं से करो कि वो 12 मिनट रीडिंग के ऐसे यूटिलाइज हो कि कम से कम दो क्वेश्चन तो मैं इतने अच्छे से पढ़ लूँ कि दो बजते से लिखना चालू करना है बस. तब जाके तुम उधर के 3 घंटे में से 10 मिनट क्या कर पाओगे अपने लिए सेव कर पाओगे और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा वहां पे लिख के आ पाओगे. क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए रीडिंग की प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी होगी. तो जैसे जैसे कवरेज होता जाएगा मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी या फिर टाइम यहाँ पे दूंगी, तुम्हें एक एक करके क्या करना है मेरे साथ क्वेश्चन पेपर को रीड करना, यही सीखना. फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे मैम पेपर छूटने का रीजन क्या है? हम होते हैं बिल्कुल क्या दिमाग से प्रो लेवल पे प्रिपेयर्ड कि वहां जाके 3 घंटे में खट 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 लिखना स्टार्ट कर देंगे. तुम्हारा खटखट वहीं पे ना रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? तुमने यहाँ पे 2 महीने की प्रिपरेशन में एक बार भी पेन उठाने की इच्छा नहीं रखी, और अगर पेन उठाया भी तो ये उठा के पेपर पढ़ रहे बुक ऐसे ऐसे. हाँ हाँ सब आ रहा है, सब आ रहा है. अरे आंखों को देख के तो सब आता है, जब आंखें बंद करके इसको चलाओगे ये चल रहा है कि नहीं वो तो चेक कर लो. तुम बिल्कुल धुरंधर कहाँ जाके चेक करते हो जब वो 3 घंटे का टाइम चल रहा हो, तो ना वहां चेक करते हो कि मुझे याद आ रहा है कि नहीं. अगर वहां याद आ गया और पास हो गए तो वाह वाह, और नहीं आया तो आईसीआई नहीं पेपर टफ किया था, आईसीआई नहीं पेपर लेंदी दिया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन आईसीआई नहीं लगाई थी. यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ कि तुमको इन 2-3 महीनों में खुद लिख के एक एक बार कम से कम 5 क्वेश्चन तो लिखो एक चैप्टर के. नहीं हम वो वहीं पे जाके लिखेंगे, तो तुम वहीं पे जाके लिखते हो तो वहीं पे जाके तुम्हारे मार्क्स भी प्रो लेवल के आई जाते थे. या तो तुम 30 पे अटकते हो या तो एग्जेम्पशन के बहुत करीब आके छूट जाते हो. तो यहाँ पे खुद एक कसम खा लो कि कम से कम हर चैप्टर के 5 क्वेश्चंस तो हम लिख के ही जाएंगे ताकि पता रहे कि किसमें क्या लिखना होता है और कैसे लिखना होता है. अगर मुझे कोई एक कॉपी देगा ना चेक करने के लिए, जिस कॉपी में काटा पीटी नहीं होगी ना, मैं उसको अच्छे मार्क्स ही दूंगी. ये मेरी भी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है. जो चीज नीट एंड क्लीन दिखेगी मैं उसको ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स दूंगी. और वहीं एक कॉपी है 3 लिख के काट दिया, 5 लिख के काट दिया, फिर उसके बाद फिर आधा काट के आधा ये करे, तो तुम भी देखो ना नीट एंड क्लीन ही पसंद करोगे ना. तो ये भी वो वहां पे भी यही चलता है, इसलिए तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं. तो लिखने की प्रैक्टिस यहीं से करो. पॉइंट नंबर 1 तुम्हें पेपर कैसा होता है ये बताए अभी के लिए, देखना है वो अपन देखेंगे आगे. पॉइंट नंबर 2 कि तुमको क्या करना होगा, अभी से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मत 3 घंटे में प्रैक्टिस करने मत जाना. पॉइंट नंबर 3, अटेम्प्ट की कसम तुम सबको दे रही हूँ कि जिसको ज्वाइन करो मत करो, तुम सबको एक एक को अटेम्प्ट की कसम है कि बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लो. देख देख के क्वेश्चन तुम अगर सॉल्व करोगे तो वहां पे एग्जाम में जाके बिना देखे ही तुमको करना होता है सॉल्व. तुम्हें वहां पे कोई ओपन बुक एग्जाम लेके नहीं बैठे बोले, तो यहाँ वहां पे भी तुमको बिना देखे सॉल्व करना है. वो प्रैक्टिस यहीं से करो कि एक एक क्वेश्चन बिना देखे ही क्या करोगे, सॉल्व करोगे. और इसका जो तुम्हें बेनिफिट है ना वो तुम्हें अभी नहीं दिखेगा, वहां जाके दिखेगा जब तुम्हें बिना देखे वहां पे भी सॉल्व करना ईजी लगेगा. तो 3 चीजें तुमको ध्यान रखनी है अगर एक्चुअल एग्जेम्पशन चाहिए तो. कस्टम का ऐसा है कि तुम चाहोगे तो इंक्लूड करूंगी कस्टम, अदरवाइज ये सिर्फ जीएसटी के लिए, ओवरऑल क्लास ओनली जीएसटी की है. क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पूरा कस्टम अपलोड किया है, आई डोंट प्रिफर कि अननेसेसरी तुमको पे करना चाहिए. बट अगर तुम लोग को लगेगा तो फिर कस्टम अलग से इंक्लूसिव रखेंगे, अदरवाइज कस्टम नहीं है. और कस्टम में तुम्हें फोकस ज्यादा करना होगा किस पे, सबसे पहले वैल्यूएशन वाले पे. तो हर बार वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता ही आता है. तुम्हारे जीएसटी के पेपर में 101% इंटरेस्ट कैलकुलेशन आता ही आता है, चाहे वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रोविजनल असेसमेंट का हो, ड्यूटी ड्रॉबैक का हो, कहीं का भी हो, लेकिन एक क्वेश्चन इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आईसीआई हमेशा देता है. ये मेरे 5 past 5 years के पेपर एनालिसिस के बेसिस पे बता रही हूँ कि 101% इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिलेगा. तो उसके डेट्स पे, उसके परसेंटेज की कितना इंटरेस्ट लगता है, इस पे फोकस जरूर रखना. ठीक है, इतने में कहीं किसी को पेपर से रिलेटेड कहीं से भी कोई डाउट है, ये इन जनरल मैंने तुमको एक इंट्रोडक्शन दिया है तो बता दो, तो फिर क्लियर कर दो. कुछ भी सोच विचार है? निक्की नींद का एक ही आ रही है अभी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है. मॉर्निंग उठी रही हूँ मैं, अभी 5 बजे से उठी.
मेरे को तो बोलना है, तुमको तो सुनना है, तुम्हारे ही काम की चीज है। एक्टिव रहो और सूर्य वीडियो ऑन रखो, पूछो पूछो डाउट पूछो, कुछ डाउट है मैम? अभी तो क्या चालू ही हुआ, अभी दिमाग चला ही नहीं। सेक्शन नंबर 7 किसका है जीएसटी में? नहीं मेहताब नहीं बोलेगा। ओहो, सेक्शन नंबर 7 जीएसटी में किसका है? जीएसटी वन टाइम किसने पढ़ा है? एक बार कम से कम दर्शन हुए हो जीएसटी के। प्रियंका का, हाँ बोलो निक्की। दीपक, तुमने पढ़ा है कभी जीएसटी? नहीं मैम, आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, सप्लाई क्या हेलो, धन्यवाद। प्रतीक, है? यस मैम। क्या होता है सेक्शन 7? मैम सप्लाई का है। इतनी देर क्यों लगा रहे हो बोलने में? ऐसे बोलना सीखो ना। अच्छा, यस मैम। वो क्या होता है कंपोजिट सप्लाई? कुछ होता है ना इसमें, क्या होता है वो? यस मैम, कंपोजिट सप्लाई में दो चीजें रहती हैं। गुड्स और सर्विस। अच्छा नो मैम, दो गुड्स रहते हैं, बंडल्ड रहते हैं मैम वो। एक बार तुम लोग देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले तुम खुद ही बताओ तुम लोग को कितना जीएसटी के बारे में पता है। कंपोजिट सप्लाई गलत बोल रहे हो ना, तो ये गुड्स एंड सर्विस होता है ना, ये सिर्फ गुड्स होता है, दोनों गलत है। क्योंकि मेरे को ना उस हिसाब से तुमको बेस से लेके चलना पड़ेगा, मैं एकदम से हाई पे नहीं जा सकती, तो मुझे एकदम बेस से लेके चलना पड़ेगा। अंजलि का तो समझ गई मैं, जीरो लेवल। बाकी का क्या है? महताब का भी मेरे को पता है, प्रीति का भी मुझे पता है। प्रियंका कितना पढ़ के रखा जीएसटी? मैम बहुत टाइम पहले पढ़ा था, पर ऐसा नहीं है कि मैं जीरो हूँ मतलब जीएसटी में। मतलब कैचअप हो जाएगा। हाँ कैचअप हो जाएगा बहुत जल्दी। प्रतीक, दीपक जल्दी बताओ, टाइम मैम वेस्ट मत कैचअप हो जाएगा मैम, पढ़ा हुआ है कैचअप। थोड़ा सा पहले। और निक्की, निक्की नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी मैम, जी मैम पढ़ी हूँ मैम। चलो स्टार्ट करते हैं आज फिर सेक्शन नंबर 7 से, सप्लाई से। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट हम पॉइंटर्स के थ्रू याद करेंगे, ओवरऑल जीएसटी जब तक लास्ट तक जाएगा ना, मैं पॉइंटर्स के थ्रू मैं रिवाइज करवाती रहूंगी, तो तुमको बार बार ये चीजें रिवाइज होती रहेंगी। पिछली बैच से ये वाला अलग जाएगा, पिछली बैच में भी मैंने ऐसे पॉइंटर्स में नहीं करवाया था, अब अपन पॉइंटर्स में इसको करेंगे। हर बार कुछ नया करना चाहिए तो कर रहे हैं अपन, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट आता है जीएसटी में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसमें बोलता है कि अगर जीएसटी लगाना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होनी चाहिए? सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई का मतलब ट्रांजेक्शन नहीं होता है। कई बार यहीं पे पॉइंट नंबर 1 तुम्हारी मिस्टेक, बच्चे लिखते लिखते ट्रांजेक्शन लिखते हैं जीएसटी की लैंग्वेज में। ट्रांजेक्शन तुम अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे लीगल लैंग्वेज में ट्रांजेक्शन वर्ड यूज नहीं करोगे। दो जगह ही ट्रांजेक्शन वर्ड जीएसटी में यूज होता है, जहां होगा मैं वहां बता दूंगी कि सिर्फ इस जगह ही ट्रांजेक्शन वर्ड यूज करना, हर जगह तुमको सप्लाई ही यूज करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोग जो ट्रांजेक्शन वर्ड यूज करते हो इंग्लिश का लैंग्वेज यूज करने के लिए, वो गलत है, पहली चीज, ठीक है? तो अब सबसे पहले आते हैं हम किस पे, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 किसका है? सेक्शन नंबर 7 तुम्हारा किसका है? जीएसटी का है। कहाँ पे देके रखा है ये? सीजीएसटी एक्ट में देके रखा है सेक्शन नंबर 7। तो सबसे पहले इस सेक्शन को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब जब हम नोट्स लिखेंगे और ये नॉर्मल सा सेक्शन लिख लेंगे तो हमारा इम्पैक्ट अच्छा जाता है। तो सेक्शन नंबर 7 कहाँ पे देके रखा है? सीजीएसटी एक्ट में देके रखा है सेक्शन नंबर 7, जो किसका है? सप्लाई का। अब एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझना, सुनना और पूरा ध्यान इधर रखना, तो इजीली चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले वर्ड लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स। किसी भी डेफिनेशन में अगर तुम्हें ये इंक्लूड, इसका मतलब ये डेफिनेशन है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव
इंक्लूसिव मतलब सिमिलर चीजें कुछ भी इसी नेचर की होगी, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी मींस, तो मींस मतलब वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है, उसमें और कुछ नहीं, जितना बोल के रखा है वही कवर होगा। क्या ये वर्ड से मतलब समझ में आया? कोई भी डेफिनेशन, चाहे तुम लॉ पढ़ो, तुम ऑडिट पढ़ो, चाहे तुम डीपी पढ़ो, आईडीपी पढ़ो, पूरी डेफिनेशंस के लिए बता रही हूँ। अगर किसी भी डेफिनेशन इंक्लूड वर्ड लिखा है, दैट इज इंक्लूसिव। अभी ठीक है? किसी का माइक ऑन है तो डिस्टरबेंस आ रही है। माइक नहीं, अच्छा इसने म्यूट नहीं किया, म्यूट सब करके जब बोलना हो ना सिर्फ तब अनम्यूट करना। अभी ठीक है मेरी वॉइस? चलो, तो सप्लाई की डेफिनेशन के लिए मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेशन किसी की भी हो, अगर वर्ड क्या लिखा है, इंक्लूड वर्ड लिखा है, तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। इंक्लूसिव मतलब सारी सिमिलर चीजें हम इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन अगर मीन्स लिखा हो तो इसका मतलब है ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। ये वर्ड तुम ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, हर तरह का सप्लाई यहाँ पे इंक्लूड होगा, चाहे वो गुड्स का हो या फिर वो सर्विस का हो, मुझे पूरा फोकस गुड्स एंड सर्विस पे ही करना होगा। तो बोलते हैं सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। क्या ये डेफिनेशन कहीं लिखनी पड़ेगी? बिल्कुल भी, पूरे जीएसटी में तुम्हें ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पूरा जीएसटी का बेस ही ये डेफिनेशन। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर वन क्या बोला है कि हर तरह का सप्लाई चलेगा, बस वो गुड्स एंड सर्विस का ही सप्लाई होना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें जब क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करने की अभी बातें कर रही थी यही बोला था कि चेक कर लो गुड्स है भी या नहीं, सर्विस है भी या नहीं, क्योंकि सप्लाई वही इंक्लूड होगा जो गुड्स एंड सर्विस का हो, और गुड्स एंड सर्विस की अपने आप में इन्होंने क्या देख रखी है, डेफिनेशन देके रखी है। अब गुड्स का मतलब ये क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं गुड्स का मतलब है ऑल फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स में बोलते हैं कि किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी ही क्या होगी, गुड्स होगी। तो यहाँ पे बोलते हैं एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, गुड्स है। मैम एक मिनट, अभी आप बोल रहे हो किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, बता क्या, सर्विस। तो इसका मतलब मैम मूवेबल प्रॉपर्टी अगर बोलते तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरी सर्विस हो जाएगी? तो इसका आंसर मैं तुम्हें अभी दूंगी। सबसे पहले गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मेरे गुड्स है, ठीक है। इसका मतलब जब मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, मुझे चेक करना होगा ये प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल। मूवेबल है, मेरा गुड्स है, खत्म बात। फिर इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं लेकिन गुड्स में मनी इंक्लूड नहीं होता, सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होता। अब इंस्टीट्यूट तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हें बोलेगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को शेयर्स क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। शेयर्स क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फलाना फलाना वैल्यू पे। अगर तुम ये चीज ध्यान नहीं दे पाए कि ये तो सिक्योरिटी है और तुमने टैक्स लगाया, तो भी तुम गलत हो, क्योंकि क्लियरली बोला है गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, मनी इंक्लूड नहीं होता, सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होती है। फिर बोलता है गुड्स में इंक्लूड होते हैं एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब सुनो, मेरे पास क्या है, गुड्स है, मेरे पास ये क्या है, ये गुड्स है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी मेरा गुड्स हो गया। इसने बोला मनी गुड्स नहीं है, इसने बोला सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, बात मान ली, पर बोल रहा है कि अब ये तो गुड्स है, गुड्स में इंक्लूड हो गया ग्रास भी, गुड्स में इंक्लूड होगी क्रॉप्स भी। मुझे समझ नहीं आया कि गुड्स में ग्रास और क्रॉप इंक्लूड करने का कोई रीजन तो नहीं दिख रहा। अब तुम बताओ, सपोज करो ये मेरा क्या है, फार्म हाउस है, ये क्या मेरा फार्म है, ये मेरा फार्म है, यहाँ पे क्या चल रही है, इस फार्म में ये मेरे क्रॉप्स है, ये फार्म है, यहाँ पे मेरे क्या है, क्रॉप्स है। अब एक चीज बताओ, ये जुड़े हुए किससे, इस लैंड से, ठीक है। जो चीज लैंड से जुड़ी हुई है वो तो मूवेबल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये तो क्या हो गई, इमूवेबल। पर गुड्स की डेफिनेशन में क्या बोला है कि गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही इंक्लूड होगी। अब एक चीज बताओ, जब ये लैंड से अटैच है, इसका मतलब ये मूवेबल तो नहीं है, मूवेबल नहीं है तो गुड्स की डेफिनेशन से आउट हो गया।
और अभी मैं तुम्हें खुद बताऊंगी कि सर्विस की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी आउट करके रखा है। अभी तुम्हें ये पता चलेगा, अभी पढ़ा नहीं है इसलिए पता नहीं। सर्विस की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी आउट करके रखा है, तो इसका मतलब क्रॉप्स तो ना मूवेबल रहे, क्रॉप्स तो ना इमूवेबल रहे, ना गुड्स में कवर होंगे ना सर्विस में कवर होंगे। अब ये रहा हमारा फार्मर, इसका दिमाग चल गया अच्छे से, इसने बोला एक काम करते हैं, हम तोड़ते नहीं है क्रॉप्स को, तोड़ेंगे तो ये गुड्स में कवर हो जाएंगे क्योंकि मूवेबल हो जाएगा, इसको ऐसे कि ऐसे जमीन पे ही रखते हैं और इसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ना तो ये गुड्स की डेफिनेशन में जा पाएगा, ना तो ये सर्विस की डेफिनेशन में जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए स्पेसिफिकली इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने बोला कोई भी क्रॉप्स, कोई भी ग्रास जो लैंड से अटैच्ड हो रही है ना, वो सब गुड्स की डेफिनेशन में ही जाएगी। इस रीजन से ये ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को स्पेसिफिकली क्या लिया है, गुड्स की डेफिनेशन में लेके रखा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो गुड्स की डेफिनेशन में पॉइंट नंबर वन क्या इंक्लूड होता है, गुड्स की डेफिनेशन में सारे मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड हो गए, गुड्स की डेफिनेशन में ग्रास इंक्लूड हो गई, गुड्स की डेफिनेशन में क्रॉप्स इंक्लूड हो गए, और कोई भी चीज जो किस पे अटैच्ड है, लैंड से अटैच्ड है, वो सब इंक्लूड हो। इंक्लूड क्या नहीं हुआ, इंक्लूड नहीं हुआ मनी, इंक्लूड नहीं हुआ सिक्योरिटी। अब बात आती है एक्शनेबल क्लेम की। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो सारे एक्शनेबल क्लेम होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसका मैं अभी तुम्हें लिंकेज बता रही हूँ, जिसमें सप्लाई की डेफिनेशन में फिर से मिलेगा, हम तो उसको डिस्कस करेंगे। अब पूरा के पूरा मुझे लगता है कि फोकस जाना चाहिए, पूरा के पूरा मेरा फोकस होना चाहिए इस वर्ड पे, एक्शनेबल क्लेम। इन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम क्या है, मेरे गुड्स है, ठीक है मान लिया, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम गुड्स है तो इसका मतलब इस पे लगना क्या चाहिए था, जीएसटी लग जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक पर्पस है जिसके कारण एक्शनेबल क्लेम को यहाँ गुड्स की डेफिनेशन में लिखा है। अब वो पर्पस क्या है, एक्शनेबल क्लेम मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें लॉटरी भी आता है, उसमें बेटिंग भी आता है, उसमें गैम्बलिंग भी आता है। ये तो सारे कौन सी चीजें, स्पेक्युलेशन वाली, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग सब स्पेक्युलेशन चल रहा है, और स्पेक्युलेशन में तो तुम अच्छा खासा कमाते हो, गवाओगे भी अच्छा और कमाओगे भी अच्छा। इन्हें इस पे क्या चाहिए था, जीएसटी चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो एक्शनेबल क्लेम को क्या किया, गुड्स की डेफिनेशन में लेके गए, फिर इसी एक्शनेबल क्लेम को इन्होंने क्या किया, शेड्यूल नंबर थ्री, शेड्यूल थ्री में लेके गए। और शेड्यूल नंबर थ्री होता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। और शेड्यूल नंबर थ्री में ले जाके लिख दिया कि एक्शनेबल क्लेम क्या नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। मतलब पहले तो गुड्स का पार्ट बनाया, फिर दूसरी जगह जाके बोला एक्शनेबल क्लेम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। मतलब धीरे से लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को बोल रहे सिर्फ यही गुड्स है, बाकी सब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये चीज ये लोग छोड़ नहीं सकते थे, स्पेक्युलेशन वाली चीजों पे जीएसटी नहीं लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्यों एक्शनेबल क्लेम वहां पे लिखा है? अब इतना ही नहीं, अब एक्शनेबल क्लेम लिया, उसमें एक्चुअल में किसको कवर किया, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को कवर किया। इसका वैल्यूएशन कहाँ से पता चलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का रूल नंबर 31, तुमको 31A मिलेगा, वहां जाके तुमको इसका क्या मिलेगा, वैल्यूएशन कैसे होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग की, वो तुम्हें क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई का वैल्यू। तो आर यू गेटिंग, ये एक जो छोटी सी चीज है एक्शनेबल क्लेम, पहला लिंकेज आता है शेड्यूल नंबर थ्री पे, फिर इसी की वैल्यू कहाँ जाती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर है, वहां पे लिख के रखा है कि इसकी वैल्यू क्या लेके रखोगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो ये हो गया पहला तुम्हारा गुड्स की डेफिनेशन। सूर्य आप अगर लेट के पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, हम क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर आप झुक के पढ़ रहे हो या तो आप लेट के पढ़ रहे हो, अच्छे से बैठो, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा गुड्स की डेफिनेशन। मैम क्या है गुड्स की डेफिनेशन, जीवन में कभी लिखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लिखनी पड़ेगी, पर क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी। तो गुड्स की डेफिनेशन पहली चीज।
अब मैं तुमको छोटा सा और लिंकेज इसी के साथ वापस जोड़ देती हूँ कि गुड्स की डेफिनेशन में सबसे पहले अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं आता क्योंकि जीएसटी से ही बाहर है। और क्या क्या नहीं आएगा, गुड्स है लेकिन नहीं आएगा, सबसे पहले वही नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें भी तुम्हारे गुड्स होते हुए भी अभी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं ले सकते क्योंकि इस पे जीएसटी अभी नहीं लगेगा। मनी भी नहीं ले सकते, सिक्योरिटी भी नहीं ले सकते, एक्शनेबल क्लेम ले तो रहे हो लेकिन शेड्यूल नंबर 3 बोलता है एक्शनेबल क्लेम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग ही यहाँ पे क्या होगा, कवर होगा। ग्रास हो गए, क्रॉप्स हो गए, ये सारे तुम्हारे हो गए गुड्स के। गुड्स की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि गुड्स के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ सोचना पड़ता है। अल्कोहलिक भी क्लियर हो गया और तुम्हारे पांच वाले क्रूड ऑयल और ये सब भी क्लियर हो गए। अब मैं जाती हूँ दूसरी डेफिनेशन और उस पर ध्यान देना। दूसरी डेफिनेशन आएगी सर्विस की। अब मैंने अभी अभी तुमको क्या बोला, गुड्स इंक्लूड एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने बोला गुड्स मतलब किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब सर्विस की डेफिनेशन देखोगे तो उसने क्लियरली बोला है सर्विस मीन्स, वर्ड समझ में आया, वहां इंक्लूड है सप्लाई में, सब कुछ इंक्लूड कर लो। सर्विस मतलब जो हम बोल रहे हैं वही सर्विस होगा, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। जिस भी डेफिनेशन के आगे मीन्स लिखता है वो कौन सी डेफिनेशन होती है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है, ठीक है। सर्विस मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज बट गुड्स नहीं होना चाहिए। सर्विस मीन्स एनीथिंग, कुछ भी चलेगा लेकिन गुड्स नहीं चलेगा। इसको मैं एक काम करती हूँ, काट देती हूँ। अब तुम इसको भी गुड्स मत रीड करो, इसको रीड करो क्या, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी। अब समझ में आ रहा है मैंने क्यों बोला था, अच्छा जो चीज मूवेबल नहीं है तो क्या इमूवेबल सर्विस हो जाएगी, क्योंकि इसने क्लियरली क्या लिखा है, एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो बचा क्या मूवेबल के बाद, इमूवेबल ही बचा तुम्हारा। तो अब क्वेश्चन रेज होता है, वो बोल रहा है सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सर्विस कहलाएगी। सुनना ध्यान से, अब समझ में आ रहा है, मूवेबल ऑटोमेटिकली गायब हो गया तो क्या इमूवेबल मेरा सर्विस होता है। तो मेरी बात सुनो, अगर आज मैं लैंड बेचूं, आज मैं बिल्डिंग बेचूं, तो मैं यूं बोलूंगी कि मैंने सर्विस दे दी किसी को, ये तो फिर गलत हो जाता। फिर से मैं तुमको शेड्यूल 3 पे लेके जा रहा हूँ। शेड्यूल नंबर 3 में इसीलिए लिख के रखा है सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि यहाँ गलती से क्या हो रहा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर हो रही थी, अब वो गलती से जो कवर हो गया उसको हटाने के लिए फिर शेड्यूल 3 आया और शेड्यूल 3 में इन्होंने लिख के रखा है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इसलिए वहां पे लिख के रखा है। तो दो बार तुमने शेड्यूल नंबर 2 देखा, एक एक्शनेबल क्लेम में देख लिया और दूसरा भी यहाँ पे किस में देख लिया, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग में भी हमने देख लिया, दो चीजें। अब इसके बाद यहाँ पे मैं मनी क्यों लिख दिया, यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों लिख दिया। मनी इसलिए लिखा क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन से मनी को भी हटा दिया था, गुड्स की डेफिनेशन से सर्विस को भी, सिक्योरिटी को भी हटाया था। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है, गुड्स तो मनी भी नहीं है, तो क्या सर्विस बन जाएगा। तो उसने बताया नहीं भाई, मनी भी सर्विस नहीं है, सिक्योरिटी भी सर्विस नहीं है। इसका मतलब जो गुड्स एंड सर्विस दोनों से बाहर चला गया वो कौन है, मनी भी बाहर चला गया, सिक्योरिटी भी बाहर चला गया, गुड्स की डेफिनेशन से भी, सर्विस की भी। तो इस तरह से लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं। मैम अभी अभी आपने बोला कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सर्विस नहीं, मान भी लिया हमने क्योंकि शेड्यूल 3 में क्लियरली लिख दिया सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन मैं क्या करूँ, एक फ्लैट बना रही, फ्लैट का मुझे क्या आ गया, एडवांस आ गया। मैं क्या करती हूँ, फ्लैट वगैरह बना के देती हूँ उसका, मैं अभी बन ही रहा था और मुझे क्या आ गया, एडवांस आ गया। तो फ्लैट तो अभी बन रहा है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में अभी कन्वर्ट भी नहीं हुआ, बन ही रहा है। ऐसे में अगर कोई एडवांस मिल जाता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है, भले एक रुपए भी एडवांस मिलेगा, इवन अ सिंगल रुपी भी अगर एडवांस मिल जाएगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। पर जो चीज पूरी बन चुकी है और उसको तुम बेच रहे हो तो वो गुड्स भी नहीं है
और वो क्या है, सर्विस भी नहीं है, क्योंकि शेड्यूल नंबर 3 बोलता है सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. क्या यहाँ तक क्लियर हुई बातें? अब सर्विस की डेफिनेशन में और गहराई में गए तो उसने लिखा है कि देखो हमने बोल तो दिया कि मनी जो है गुड्स भी नहीं है, हमने बोल दिया मनी सर्विस भी नहीं है, लेकिन अगर ये मनी के ट्रांजेक्शन के लिए अलग से कुछ भी चार्ज किया जाता है, मैं बैंक में गई, बैंक वाले से बोला लोन तो दो, उसने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, वो मनी का ट्रांजेक्शन था, उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए, ये ट्रांजेक्शन मनी का चल रहा है, लेकिन मैं उसको रिटर्न में 10 लाख थोड़ी ना दे रही हूँ, मैं उसको इंटरेस्ट भी रिटर्न कर रही हूँ, तो बोल रहे ये मनी के ट्रांजेक्शन के लिए अगर एक्स्ट्रा कुछ चार्ज किया है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उस पर क्या लगेगा तुमको, GST लगेगा. हम सिक्योरिटी का क्या करें, मैं क्या करती हूँ, मैं एक ब्रोकर हूँ, तुम्हारी सिक्योरिटी को सेल करवाती हूँ, तुम्हारी सिक्योरिटी को परचेस करवाती हूँ, मैं सर्विस कौन सी दे रही हूँ, सिक्योरिटी को सेल परचेस करवाने की, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. पर ये जो शेयर्स वगैरह सेल परचेस हो रहे हैं, इन शेयर्स की वैल्यू को GST नहीं लगता, पर इनको बिकवाने की जो सर्विस दे रही हूँ उस पर GST लगेगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है. तो दिस आर द टू डेफिनेशन. अभी सिर्फ सप्लाई की डेफिनेशन में अभी सिर्फ दो डेफिनेशन कवर हुई है, वो है गुड्स की और दूसरी किसकी है, सर्विस. अब सप्लाई की डेफिनेशन पे वापस जाते हैं और सप्लाई की डेफिनेशन में अभी कुछ कुछ और भी लिखा है जो गहराइयों में छुपा हुआ है, उसको देखते हैं. देखो सबसे पहले मुझे यहाँ की बातें समझ में आ गई कि हर तरह का सप्लाई होगा, बस वो गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, ये चीज इसने इतनी ही बोली है. अब आगे क्या बोला है, सच एस का मतलब है, ये सारे एग्जाम्पल है, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, रेंटल हो, लीज हो, ये सब सिर्फ एग्जाम्पल है. अभी और सब कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और भी तरह तरह के तुम जमाने भर के अलग अलग ट्रांजेक्शन करो, सब सप्लाई माने जाएंगे. इस डेफिनेशन को वाइड इसीलिए बनाना था क्योंकि लोगों के दिमाग बहुत चलते, लूपहोल बहुत ढूंढते, तो सब कुछ कवर कर लिया, इंक्लूसिव बना. अब आगे क्या लिखा है, मेड एग्रीड टू बी मेड. अब इसका क्या मतलब है मैम, मेड और एग्रीड टू बी मेड, भले ही सप्लाई कर दिया या फिर तुमने एग्री कर लिया, मतलब एडवांस ले लिया, दोनों सप्लाई माने जाएंगे. तुमने पैसा ले लिया, पेमेंट आ गया, ये मैम इस चीज का लिंक कहाँ है, टाइम ऑफ सप्लाई यही तो सिखाता है तुमको कि अगर या तो पेमेंट की डेट देख लो या फिर सप्लाई की डेट, विच एवर इज अर्लियर. टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा तो कभी पड़ा होगा, तो वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई इसी पे बेस्ड बना है कि एडवांस अगर तुम रिसीव करो या फिर ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हो, तुम्हारा दोनों ही चीज सप्लाई मानी जाएगी. फिर आगे आता है फॉर अ कंसिडरेशन. अब फिर से इस पे गहराइयों में जाना पड़ेगा फॉर अ कंसिडरेशन. तो सबसे पहले हमने सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 से स्टार्ट की. इंक्लूड बोला है मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है. फिर हमने बोला कि गुड्स होना चाहिए, गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एक्सटेबल क्लेम भी है इसके अंदर, ग्रास वगैरह सब है. सर्विस मतलब किसी भी तरह की चीज, बस वो गुड्स नहीं होना चाहिए, मनी नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, पर मनी के ट्रांजेक्शन में अलग से कुछ चार्ज करते हो तो वो सर्विस कहलाता है. ये सारी चीजें सिर्फ एग्जाम्पल है. मेड हो या एग्रीड टू बी मेड, मतलब एडवांस लिया हो या ऑलरेडी सप्लाई किया हो, दोनों ही चीज तुम्हारी सप्लाई कहलाती है. फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए. फॉर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन. अब देखो कंसिडरेशन मतलब क्या, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम मुझे फीस दोगे, किसमें आ गया, कैश में, वो भी कंसिडरेशन. तुमने मुझे क्या दे दिया, मुझे मेरी बुक में चाहिए थी कि मुझे फीस तो मेरी 5,000 की कोई बुक है, तुम तो मुझे वो दिला दो, बुक दे रहे हो मुझे, काइंड है, वो भी क्या है तुम्हारा, कंसिडरेशन हो गया. दो चीज हो गई, या तो कैश में हो सकता है कंसिडरेशन या काइंड में हो सकता है, चलो ये बात तो समझ गई. लेकिन अब पढ़ तुम रहे हो मुझसे, डायरेक्ट तुमने फीस भरी, डायरेक्ट रेसिपियंट भी कंसिडरेशन दे सकते हैं, लेकिन नहीं, पढ़ तुम रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे क्या किया, फीस ट्रांसफर की, थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है. तो कंसिडरेशन कैश में हो सकता है, कंसिडरेशन काइंड में हो सकता है, कंसिडरेशन डायरेक्ट रेसिपिएंट दे सकता है, कंसिडरेशन कोई थर्ड पर्सन भी क्या कर सकता है, पे कर सकता है. यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है,
अब जो बोलने जा रही हूँ वो आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। ये बोलते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तुमको, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सप्लायर को सब्सिडी दी है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है सप्लायर को। दीपक किसको दे रही है? सप्लायर को दे रही है। तो ही क्या होगा, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हें तभी देगी कुछ ना कुछ फायदा होगा, डोमेस्टिकली कुछ काम करना होगा तभी गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी दे रही है। तो बोलते हैं हम इसको जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। हम कैसे बोल दिया आपने जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, जब वो कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं बना रहे, मतलब वैल्यूज पता नहीं है वो। तो जब कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं बन रहा है तो उस पर क्या नहीं लगेगा, तुमको जीएसटी नहीं लगेगा। हम ये चीज कहाँ देखने मिलेगी, अगेन जब तुम वैल्यूज के चक्कर में जाओगे, वहाँ लिखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करते वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ये तुम्हें फिर से कहाँ मिलेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखने को मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से अगर सुनी होगी तो तुम शायद इन चीजों का आंसर दे पाओगे। यहाँ पे क्या है, ये पर्सन है, सपोज करो ये पर्सन क्या करता है, ये कोई चीज है जो वो सेल करता है, ठीक है। इसने क्या किया, ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर को ये क्या कर दी, कस्टमर को ये चीज सेल कर दी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस कस्टमर को सब्सिडी देती है। एक्चुअल में ये चीज 1000 रुपए की है, गवर्नमेंट इसको 100 रुपए का क्या दे देती है, सब्सिडी वापस दे देती है। अब जीएसटी कितने पे लगना चाहिए, 1000 पे लगना चाहिए या फिर 900 पे लगना चाहिए, या जीएसटी लगेगा ही नहीं? मतलब कोई भी ऐसा है जिसको लगता है नहीं भाई 1000 ही होना चाहिए? अब ऐसा इतना फोकस करके पूछा तो सोचना तो पड़ेगा, सोच लो। जरूरी नहीं वो एक बोल रही है तो कुछ सही बोल रही हो। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। एक पर्सन है, ये उसका गुड्स है, ठीक है, ये गुड्स उसने 1000 रुपीज में इस कस्टमर को सेल कर दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी इस कस्टमर को 100 रुपीज की। अब जीएसटी कितने पे लगेगा, 1000 पे या 900 पे या लगेगा ही नहीं? हम 1000 पे 1000 पे लगेगा, 1000 पे लगेगा। अचानक क्या हो गया, वेदर चेंज हो गया, आप भी बोल रहे हैं 1000, अब कोई किसी को लगता है 900। हम सप्लायर को नहीं मिली है मैम। तुम्हारा गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर जब आता है तो सब्सिडी तुमको मिलती है, सप्लायर को नहीं मिलती, इसलिए जब जीएसटी लगता है पूरी वैल्यू पे ही लगता है। पेटीएम वगैरह करते हैं, अमेजोन से कैशबैक आता है, कैशबैक आ रहा है तुमको, लेकिन किसको आ रहा है, तुमको आ रहा है, तुम तो कस्टमर हो, तो इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा ही काउंट होता है, जीएसटी पूरी वैल्यू पे ही लगता है। तो तुम जब वैल्यू ऑफ सप्लाई भी करोगे तब भी ध्यान रखना मिलना सप्लायर को चाहिए, रिसिपिएंट को नहीं मिलना। और इंस्टीट्यूट इस चीज पे कंफ्यूज करता है और तुम लोग जल्दी से 900 करके आ जाते जबकि गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज, कंसिडरेशन कैश में हो सकता है यस, कंसिडरेशन काइंड में हो सकता है यस, कंसिडरेशन रिसिपिएंट पे कर सकता है यस, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी पे कर सकती है यस, कंसिडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आएगी यस। एक और चीज कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन तुम्हें एज अ डिपॉजिट मिला है, कंसिडरेशन तुम्हें कैसे मिला है, एज अ डिपॉजिट, जो रिफंडेबल डिपॉजिट तुम्हें वापस करना होगा, तो जो चीज तुम्हें वापस करनी वो तो तुम्हारा अर्न किया हुआ पैसा है ही नहीं, तो वो भी कंसिडरेशन नहीं होता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हमारे अंबानी जी ने किया था,
1500 रुपए का फोन निकाला, बीच में निकाला तो 2-3 साल शायद हो गए उसको, 1500 रुपीज का सेल फोन था। तुम कभी भी वापस कर दो उस सेल फोन को किसी भी हालत में, पूरे 1500 तुमको वापस दे। तो ये क्या किया उन्होंने, पैसा भी कमाया, हजारों करोड़ों लोगों ने वो फोन खरीदा भी होगा। तुम तो छोड़ो 1,00,000 × 1500 भी कर लो तो अपने लिए तो बहुत बड़ा हो जाता, तो उसके तो कितने लोगों ने वो 1500 का फोन खरीदा होगा। पर जीएसटी भी पे नहीं किया, क्योंकि क्या दिखाया, ये रिफंडेबल डिपॉजिट है। अच्छा खासा उससे पैसा भी कमाया उसने और जीएसटी भी पे नहीं किया, क्योंकि डिपॉजिट अगर आपको मिलता है जो आपको कभी भी रिफंड करना है तो उसपे भी क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो कंसिडरेशन ही नहीं है। तो कंसिडरेशन कैश होता है, काइंड होता है, तुम दो तीसरा पर्सन दे, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है और रिफंडेबल डिपॉजिट भी क्या नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ जाके मेरी एक्चुअल में 3 डेफिनेशन कवर हुई, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन। अगर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, मैं सर्विस दे रही हूँ, कंसिडरेशन ले रही हूँ, मैं जीएसटी तुम पर लगा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जीएसटी लगाऊंगी जब मैं खुद क्या हूँ, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब मैम, मतलब मुझे रजिस्टर होना पड़ेगा तभी तो मैं खुद पर टैक्स लगाऊंगी। अब इसी के लिए आगे देखो इन्होंने क्या लिख के रखा, बाय अ पर्सन। अब जो जनरली रीड करेगा ना वो अ पर्सन को कैसे रीड करेगा, अ पर्सन मतलब अ पर्सन, मैं एक पर्सन, लेकिन अ पर्सन नहीं है यहाँ पे। अ पर्सन का मतलब HUF भी हो सकता है, अ पर्सन का मतलब कंपनी भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री, मतलब पर्सन एक वाइडर डेफिनेशन है। जैसे इनकम टैक्स में होती है ना सेक्शन नंबर 224 में एक वाइड डेफिनेशन होती है पर्सन, यहाँ पे भी पर्सन क्या है, एक वाइड डेफिनेशन है। तो मैम ये किस बारे में बात कर रहा है? अब अगर तुम इस डेफिनेशन को पूरा वापस पढ़ोगे तो ये क्या बोल रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये सारे एग्जाम्पल, मेड एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। हर एक पर्सन, मैं तुम्हें सर्विसेज दे रही हूँ पर मैंने तुम्हारे को जीएसटी नहीं लगाया, क्योंकि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो इस डेफिनेशन में लिखा। ये वो पर्सन की बात कर रहा है जो टैक्सेबल पर्सन हो। अब मैम टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, जो या तो रजिस्टर हो चुका है या फिर लाइबल टू गेट रजिस्टर। मैम लाइबल टू गेट रजिस्टर कब होते हैं, या तो तुम्हारा 20 लाख से टर्नओवर क्रॉस हो गया, या 10 लाख से टर्नओवर क्रॉस हो गया, या 40 लाख, एज द केस में भी अगर तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ है तब तुम लाइबल टू गेट रजिस्टर बनते हो। तो ये पर्सन का मतलब दो है, एक तो सारे पर्सन इंक्लूड कर लिए, चाहे तुम इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, HUF हो, AOP हो, BOI, ये पर्सन हुआ। और दूसरा मीनिंग इसका इसी के अंदर ये है कि तुम टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, तभी तो तुम जीएसटी लगा पाओगे। तो तुम समझ रहे हो मैं एलिमेंट्स इकट्ठे कर रही हूँ जीएसटी के, जीएसटी लगाने के लिए गुड्स चाहिए, जीएसटी लगाने के लिए सर्विस चाहिए, जीएसटी लगाने के लिए कंसिडरेशन चाहिए, जीएसटी लगाने के लिए पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसके बाद आगे इसने क्या बोला है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बहुत गहरी डेफिनेशन लिखी है इसने, बोला है कि बिजनेस में ही ये काम करना है। गुड्स दे रहे हो बिजनेस में दो, सर्विस दे रहे हो बिजनेस में दो, और कंसिडरेशन, कोई भी बिजनेस पैसे पे ही चलता है, या तो गुड्स होगा या सर्विस होगा, एक चीज होगी, पैसा तो होगा ही होगा बिजनेस में। तो बोल रहा है कोई भी गुड्स दो, सर्विस दो, बस तुम टैक्सेबल होना चाहिए और तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुमको पैसा मिलना चाहिए। अब कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इसमें बहुत गहराई वाली बातें की है। हम इन जनरल बिजनेस क्या मानते हैं, या तो गुड्स देंगे या सर्विस देंगे, हो गया बिजनेस। नहीं, जीएसटी की जो डेफिनेशन है इतनी वाइड रखी है सप्लाई की। अब इसने देखो बिजनेस में क्या क्या कवर किया, जो हम सोच भी नहीं सकते, इसने वो सारी चीजें सबसे पहले क्या करके रखी, बिजनेस की डेफिनेशन में कवर करके रखी। ये रही हमारी किसकी डेफिनेशन, ये रही बिजनेस की डेफिनेशन। अब बोलता है सबसे पहले, इन जनरली पहले बताती हूँ, बिजनेस चाहे ट्रेडिंग का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, किसी भी तरह का बिजनेस, चाहे प्रोफेशन हो चाहे वोकेशन हो, जो DT में पढ़ते हो ना प्रोफेशन वोकेशन, वही यहाँ पे, चाहे तुम्हारा क्या हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, कोई भी बिजनेस हो, वो भी बिजनेस है, उससे रिलेटेड एंसिलरी एक्टिविटी भी अगर कुछ होगी, मैंने न्यूज पेपर बेच दिया बिजनेस में,
मैंने मेरा फर्नीचर भेज दिया, वो भी क्या है तुम्हारे लिए, वो भी बिजनेस है। तो कोई भी बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, वो तो बिजनेस है, साथ में उसकी एंसिलरी एक्टिविटीज जो होंगी वो भी बिजनेस है। फिर बोलते हैं भले ही तुमने एक ट्रांजेक्शन भी किया हो, हमको वॉल्यूम से मतलब नहीं, हमको फ्रिक्वेंसी से मतलब नहीं, क्या एक भी ट्रांजेक्शन किया होगा, एरोप्लेन रोज तो बिकते नहीं है, साल में एक भी बिकता होगा तो बहुत बड़ी बात है। तो बोलते हैं हमको वॉल्यूम से मतलब नहीं, तुमने एक भी बेचा है ना तो तुम्हारा वो बिजनेस है। तो दे आर गोइंग वेरी वाइड, चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, प्रोफेशन, वोकेशन हो, चाहे एक बार का ट्रांजेक्शन हो या हजार बार का ट्रांजेक्शन हो, चाहे क्या हो, एंसिलरी एक्टिविटी क्यों ना हो, वो भी बिजनेस। हमने बोला चलो तुम बिजनेस बिजनेस पे ज्यादा वो कर लो ना, हम एक चीज पूछते हैं, मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट ही नहीं की, सब कुछ अभी मेरी क्लासेस रजिस्टर नहीं हुई, मैंने क्लास स्टार्ट भी नहीं की। क्लास स्टार्ट होने के पहले मैंने क्या किया, ये पेन खरीद लिया, क्लास स्टार्ट होने के पहले ये लैपटॉप खरीद लिया, क्लास स्टार्ट होने के पहले बुक्स वगैरह खरीदी, बिजनेस तो है ही नहीं, अब क्या करोगे। तो इन्होंने बोला रुको थम्बा, वो बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट होने से पहले भी अगर तुमने कुछ खरीदा होगा ना, गुड्स हो या कैपिटल गुड्स, या फिर तुमने बिजनेस बंद कर दिया उसके बाद अपने गुड्स वगैरह सब बेच रहे हो, वो भी बिजनेस है। तो ये बोलते हैं कि चाहे तुमने क्या किया हो, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन किया हो, चाहे इससे एंसिलरी एक्टिविटी की हो, भले ही फिर इसका फ्रिक्वेंसी वॉल्यूम कितना भी हो हमको कोई मतलब नहीं है, या फिर तुम कोई चीज सप्लाई कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो, भले ही वो कैपिटल गुड्स क्यों ना हो, कमेंसमेंट या क्लोजर ऑफ बिजनेस के टाइम, कमेंसमेंट होने से पहले कुछ खरीदो या फिर बिजनेस क्लोज होने के बाद बेचो खरीदो, वो सब की सब क्या है, तुम्हारा बिजनेस। इतना ही नहीं, वो बोलता है भले ही बिजनेस तुम्हारा प्रॉफिट के लिए हो या प्रॉफिट के लिए नहीं भी हो, वो भी बिजनेस है। मतलब सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज जो तुम करते थे ना, और जिसे हम बोलते थे हम चैरिटी कर रहे हैं, हमारा बिजनेस नहीं है, अभी के लिए तो उन्होंने क्या बोला, नहीं ये भी क्या है, बिजनेस ही है। और यही सारे रीजन है कि इतना इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाया कि उनको बड़ी मेगा एग्जेम्पशन की लिस्ट भी देनी पड़ी, क्योंकि सब तो इंक्लूड करके रख लिया। अब उन्होंने फिर क्या दिया, मेगा एग्जेम्पशन में 107 क्या है तुम्हारी अलग अलग सर्विसेज है जिसको क्या करके रखा है, एग्जेम्प्ट करके रखा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि बिजनेस क्या होता है। अभी नहीं खत्म किया उन्होंने, बोला रुको अभी और रुको, किसी को भी तुम अपने एम्प्लॉई को किसी को भी क्या देते हो, क्लब वगैरह सोसाइटी वगैरह का बेनिफिट दे रहे हो, हम तो बोलेंगे ये भी तुम्हारा बिजनेस है। अब ध्यान से सुन, इसका लिंकेज देने वाले हैं, वो बोल रहे किसी भी क्लब, किसी भी एसोसिएशन, किसी भी सोसाइटी में क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉई को कोई बेनिफिट दे रहे हो, दे लो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिजनेस है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे सैलरी पे एक बंदा है, मैंने उसको बोला जब तेरे को क्लब का मैंने मेंबरशिप दी, जाके क्लब में एंजॉय, ये क्या बोल रहे, ये मेरा बिजनेस है। अगर ये मेरा बिजनेस है, मेरे पास कंसिडर, मैंने पैसा भी लगाया, ये तो मेरा सप्लाई हो गया, बिजनेस है, और मैं उसको सर्विस दे रही हूँ कि जा जाके क्लब में एंजॉय कर, तो एंजॉयमेंट इज नथिंग बट अ सर्विस। अब सर्विस है तो मैंने टैक्स भी भरा होगा, सप्लाई किया तो टैक्स भी भरा होगा। आगे जाके सेक्शन नंबर 17(5) मतलब को बोलते हैं ITC इस पे ब्लॉक रहेगा, तुम भले ही टैक्स भरो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये चीज कहां लिखी है, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में इसको ब्लॉक कर दिया। मतलब तुम समझो, पहले तो सब आओ कर लिया, फिर जहां जा लगा ना इसको रोकना है, वो सब या तो शेड्यूल नंबर 3 में दिया है, या मेगा एग्जेम्पशन में दिया है, या फिर सेक्शन नंबर 17(5) में दिया है। दीपक क्या क्या बोला मैंने अभी, दीपक गहरी निद्रा में भाई साहब, दीपक जागो मोहन प्यारे, बताओ क्या क्या बोला मैंने, हम तो ऐसे बैठे बैठे ही पता नहीं कितनी दूर निकल गए थे। उठो उठो उठो, इसीलिए तो 1.5 घंटे की IDT क्लास, उठो। हाँ क्या बोला मैंने, मैम क्या बोलूंगा, मैं तो नींद में ऐसा लग रहा था सब सुन रहा हूँ, लेकिन कब कहाँ चला गया पता भी नहीं चला।
देखो डे वन है तुम्हारा था, फर्स्ट डे अभी आईडीटी का, ऐसे करोगे काम नहीं चलेगा। सप्लाई को इतना डिटेल में बताना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा जीएसटी के ना पूरे तार हिल जाएंगे। इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सुकून शांति से सुनो, और अगर नींद आ रही है ना तो घूम लिया करो। और वीडियो ऑन रखवाने का ये रीजन ही यही है कि जहां मुझे लगता है ना कि गए 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 तो मैं नाम इसीलिए ले लेती हूँ, जैसे मैं दो तीन बार निक्की का इसीलिए नाम ले रही थी। तो हेंस प्रूव्ड पर्सनल अटेंशन। ठीक है, किसी को डाउट है उठाओ, आवाज तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा अभी, बोलो कुछ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब जो भी सोएगा ना उसकी क्लैपिंग, स्टैंडिंग ओवेशन करेंगे अपन सब, अच्छे से क्लैप करेंगे, उसको उठाएंगे। और जो लेट होता है उसके लिए भी ये होता है, लेट हो गए ना ज्यादा तो एकदम क्लैप करके सेलिब्रेशन करके सेलिब्रिटी को इन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी अगर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग चाहिए तो करो। चलो कहाँ थे अपन, हाँ, तो इसीलिए सारी चीजें सप्लाई में इंक्लूड करी, और फिर जगह जगह पे क्या करके रखा है उसने, रोकथाम करके रखी कि इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर आते बिजनेस की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन पे बोलता है किसी भी प्रमाइस में किसी को एडमिट भी कर रहे हो ना, एडमिट मतलब आजा अंदर आजा, वो भी तुम्हारा बिजनेस है। अब इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे बीइंग अ सीए, मेरे को क्या किया, जस्ट सीए मेरा प्रोफेशन है, यहाँ सीए होने के कारण मुझे क्या और क्या किया, ऑफिस होल्ड किया, मुझे डायरेक्टर बना दिया। तो उस प्रोफेशन के कारण तुम्हें कोई ऑफिस होल्ड करने को मिला है, तो ये ऑफिस जो तुम होल्ड कर रहे हो ये भी तुम्हारा क्या माना जाएगा, बिजनेस ही माना जाएगा। क्या ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमें आईसीआई का कुछ समझ नहीं आता कब वो क्या कर जाए, तो एक एक बार इसलिए इन चीजों का मीनिंग समझना जरूरी होता है। तो बोलते हैं रेस क्लब हो, टोटल सेटर हो, ये सारे भी क्या एक्टिविटी तुम्हारा बिजनेस है। और यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर पब्लिक अथॉरिटी की तरह करता है, ये भी बिजनेस है। फिर ध्यान से, कोई भी एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी की तरह कोई भी एक्टिविटी करेगा वो बिजनेस है। यहाँ तो बड़ी खुशी से बिजनेस बनाया इन्होंने। फिर से मैं तुम्हें ले जाती हूँ शेड्यूल नंबर थ्री, और शेड्यूल नंबर थ्री में बोला अगर पब्लिक अथॉरिटी की तरह गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले सब इंक्लूड किया, फिर सब एक्सक्लूड किया। शेड्यूल थ्री की तीन बातें मैंने कहाँ कहाँ बोली है दीपक बताओ, तीन बातें मैंने अलग अलग जगह बोली कि शेड्यूल थ्री में इसको रोक दिया, इसको रोक दिया, उसको रोक दिया, वो इसको उसको उसको बताओ क्या था। म्यूट पे हो। एक गुड्स की डेफिनेशन में बोला था, एक सर्विस की। नहीं, गुड्स डेफिनेशन में क्या था प्रिसाइसली? गुड्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड था। मैं अगर वर्चुअल नहीं ना सर तो मानती हूँ। तुम कब से सो रहे हो? तुमने तो फीस भी भर दी, और नॉन रिफंडेबल फीस है पता है, नुकसान हो जाएगा अपना। देखो ऐसे नहीं चलेगा, मैं एफर्ट्स इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे को बहुत कुछ है, तुमको एग्जाम दे के आनी है और पास भी तुमको ही होके आना है। अगर यहीं पे अभी डे वन से तुम्हारा ये हाल है ना, तो सबसे ज्यादा डांट तो तुम खाओगे, पिछली बैच में सार्थक खाता था, अब नया यहाँ पे सार्थक दीपक बनने वाला है, तो ये चीजें मत करना। मैं लिटरली मैं डांट भी देती हूँ, जहाँ फ्रेंक हूँ वहां फ्रेंक दी, और डांटने में भी मेरी कोई कमी नहीं है। तो ऐसा मत करना, तुम तो ये समझो तुम किसी प्रोफेसर के पास नहीं, किसी टीचर के पास हो, तो टीचर तो कान भी पकड़ती है, वर्चुअल में मैं तुम्हारी पकड़वाती हूँ खुद से। ठीक है, तो ये चीजें मत करना, इट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, चलो सबसे कौन बताएगा तीन चीजें क्या थी? मैम ने बताया। नहीं, सूर्य आप बताओ। ये अभी आपने बताया गवर्नमेंट सप्लाई वाला। हाँ,
और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का था शेड्यूल थ्री में. और दूसरा सिक्योरिटीज वो जीप गेट बेटिंग गैम्बलिंग और वो उसको सिक्योरिटी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम. एक एक्शनेबल क्लेम था तुम्हारा, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे ये गवर्नमेंट वाला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी की तरह कोई काम कर रहे हो. तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए था सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सब लोग के पास है ना स्टडी मैट का प्रिंट आउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं जगह मैं तुम्हें बांगर से पढ़ाऊंगी, कहीं कहीं जगह तुम स्टडी मैट की तो तुमको वो रीड करके रखना, ठीक है. चलो तो अब जाके इतना सा अप डाउन करने के बाद एक चीज कवर हुई, और वो चीज कवर क्या हुई है तुम्हारे सप्लाई में, ये अब जाके ये कवर. तो सप्लाई की डेफिनेशन में सबसे पहले बोलते हैं बिजनेस में कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होगा अगर उसमें कंसिडरेशन है, टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, गुड्स है, सर्विस है और कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तब जाके ये चीज सप्लाई बन जाएगी. क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, इसमें अब कहीं कोई दिक्कतें हैं? अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, अब इसका लिंकेज कहाँ कहाँ जाएगा. सबसे पहले इम्पोर्ट ऑफ सर्विस शेड्यूल नंबर वन में भी इसका लिंक है, पहली चीज. दूसरा लिंकेज इसका जाएगा तुम्हारा मेगा एग्जेम्पशन में. तीसरा इसी का लिंकेज जाएगा तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. ये तीन चैप्टर है जहाँ पे ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के नारे लगाएंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आता कि एक्चुअल में ये तीन जगह कैसे कवर हुआ. और ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, 101% इम्पोर्टेंट है. अब समझो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस समझ क्या रहा है, मैंने बाहर से सर्विस ली, ठीक है. इंपोर्ट का मतलब आज तक तो मुझे ये पता है कि मैंने सर्विसेज ली, और सप्लाई का मतलब तो था कि मैं क्या कर बेच रही हूँ. ये तो इन्होंने क्या कि बेचना नहीं है, तुम कुछ खरीद रहे हो उसको ही बोल दिया कि ये सप्लाई है. आर यू गेटिंग दिस थिंग, एक्चुअली इट इज नॉट सप्लाई, है ही नहीं सप्लाई. जबरदस्ती बोल दिया कि भैया ये सप्लाई है. क्यों? क्योंकि जो पर्सन बाहर बैठा है जो मुझे इम्पोर्ट कर रहा है सर्विस, वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है. रजिस्टर्ड नहीं मतलब टैक्सेबल पर्सन नहीं है. मैंने बोला था ना जीएसटी से टैक्सेबल पर्सन ही लगा सकता है, जब भाई साहब वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं होगा तो वो जीएसटी कैसे लगाएगा, वो जीएसटी लगा ही नहीं सकता. तो यहाँ पे वही बात हो गई. अब कौन भरेगा, रिसिपिएंट. और रिसिपिएंट जब जब टैक्स भरता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो क्या पॉइंट नंबर वन क्लियर हुआ कि क्यों इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी कवर किया, क्योंकि जो बाहर बैठा है वो टैक्सेबल पर्सन है, वो सप्लाई कर रहा है, वो तुमको जीएसटी लगा ही नहीं सकता. तो ले देके कवर किससे करें, ले देके कवर करते हैं रिसिपिएंट से. ले देके कवर करते हैं हम रिसिपिएंट से, इसीलिए उसको ले लिया इसने यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन. पॉइंट नंबर वन. सेकेंड, अब तुम ही सोचो, मैं अभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैंने क्या किया इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर ली तो भी इसने सप्लाई मना लिया, ठीक है, अच्छी बात है. दूसरा सपोज करो मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस है, मैं सप्लाई सर्विसेज इंपोर्ट कर रही हूँ तो भी इसने सप्लाई बना लिया. मतलब कोई भी इंसान, कोई भी अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करेगा ये तो सप्लाई बना रहा है. और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस सुनना बहुत ध्यान से, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हो आरसीएम, समझ में आया कि आरसीएम है. अब तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट याद दिलाऊं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बोला है अगर एक भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाए तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. क्या ये बात पता है, एक भी ऐसा इकलौता भी ट्रांजैक्शन अगर तुम कर लो ऐसा जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है तो तुमको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी, तुम्हें कंपलसरी अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा. अब उन लोगों की बात सोचो जो बेचारे छोटी मोटी चीजें भी इम्पोर्ट करवाते होंगे, छोटी मोटी सर्विस इम्पोर्ट कर लो,
मैंने अगर एक कोई ऐप की इंस्टॉल कर ली बाहर के देश की, सर्विस ही तो इम्पोर्ट की है मैंने, अब क्या मैं कंपलसरी रजिस्टर हो जाऊँ? ऐसे तो पता नहीं कितनी जनता को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तुम वेबसाइट चलाते हो, कोई बाहर की वेबसाइट को क्या कर लोगे अगर तुम एक्सेस कर लोगे, तो इसका मतलब तो तुमने सर्विसेज ले ली। वैसे तो तुम सारी पूरी एक काम करो, पूरा इंडिया ही एक बार के लिए क्या होता है जीएसटी में रजिस्टर हो जाओ। तो इसीलिए उन्होंने फिर सबसे पहला लिंक दिया आरसीएम से, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोल ही रहा था, फिर इसने हाथ रोका और बोला रुको रुको रुको, अगर तुम एक इंडिविजुअल हो, ध्यान से, अगर तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम बाहर से सर्विसेज इम्पोर्ट करते हो, तुम इंडिविजुअल हो बाहर से सर्विस इम्पोर्ट करते हो, और ये सर्विस अगर बिजनेस के लिए नहीं है, तुम्हें मेगा एग्जेम्पशन देते हैं। तो आर यू गेटिंग थर्ड पॉइंट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की, इसीलिए तुम्हें क्या देख रहा है यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन का पॉइंट देके रखा है। तो अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल हो, हाँ मैं इंडिविजुअल हूँ, क्या बिजनेस के लिए किया, हाँ बिजनेस के लिए किया है, तो रुको रुको फिर तो भैया तुम क्या हो जाओ, रजिस्टर भी हो जाओ, तुम्हारा ये क्या आरसीएम में कवर है। इंडिविजुअल हो, हाँ इंडिविजुअल हो, क्या बिजनेस के लिए किया, नहीं 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 बिजनेस के लिए नहीं किया, तो रुको तुम्हें क्या देके रखा है, मेगा एग्जेम्पशन देके रखा है। तो इस तरह से सप्लाई चैप्टर का ये जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पॉइंट है, तुम्हारा आरसीएम से भी जुड़ता है, रजिस्ट्रेशन से भी जुड़ता है, और उसके बाद ले देके किससे जुड़ता है, मेगा एग्जेम्पशन। क्या अभी इसका पेट भर गया, नहीं अभी तो चालू हुआ है। अब सुनना, मैंने अभी अभी तुमको बोला था ना पांच चीजें जरूरी है सप्लाई के लिए, गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, टैक्सेबल पर्सन चाहिए, फोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए, पांच बोला। अब उसने बोला सुनो, अगर तुम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, भले ही बिजनेस हो या नहीं हो चलेगा, बिजनेस के लिए करो नहीं करो चलेगा, इसीलिए तो इसने बोला था कि फिर मेगा एग्जेम्पशन दी के। अगर बिजनेस के लिए नहीं है और तुम इंडिविजुअल, सिर्फ तुमको क्या दे दिया मैंने, मेगा एग्जेम्पशन। अब ध्यान से सुनना एक और चीज बोलता है, अगर सपोज करो तुमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की, फिर से ध्यान यही पूरा, तुमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की बिजनेस के लिए ही किया, लेकिन अब कंसिडरेशन नहीं, अगर कंसिडरेशन, जब जब तुम्हारे दुनिया से कंसिडरेशन गायब होगा, ये लाइन दिमाग में याद रखना, जब जब तुम्हारी दुनिया से कंसिडरेशन गायब होगा, तब तब तुम्हारी दुनिया में शेड्यूल वन कदम रखेगा। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कहीं शेड्यूल वन में तो नहीं लिखा कुछ, तो ये बोलता है अब हम जंप कर रहे शेड्यूल वन पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिए। तुमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की, हाँ, तो शेड्यूल वन बोलता है अगर तुम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हो रिलेटेड पर्सन से इम्पोर्ट कर रहे हो, कंसिडरेशन नहीं है तभी तो शेड्यूल वन पे गए ना, तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तुम शेड्यूल वन पे जा रहे हो, कंसिडरेशन नहीं है शेड्यूल वन पे जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि अगर तुमने इम्पोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड पर्सन से की है पहली चीज, या फिर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, आपका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है, या तो रिलेटेड पर्सन से इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर लो, या फिर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है आपका, उससे सर्विसेज इम्पोर्ट करो, और ये कंपल्सरी बिजनेस पर्पज के लिए ही होनी चाहिए। इसका मतलब जब कंसिडरेशन होता है तो बिजनेस हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब कंसिडरेशन नहीं है तो कंपलसरी बिजनेस पर्पस के लिए अगर तुम रिलेटेड से ले रहे हो या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से ले रहे हो, तो ये शेड्यूल वन बोलता है सप्लाई है। अब तुमको मैं गोल गोल घुमा के पूछती हूँ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की, मैम हाँ की, तुमने बिजनेस पर्पस के लिए की, हाँ मैम बिजनेस पर्पस के लिए की, कंसिडरेशन देके की, हाँ मैम कंसिडरेशन देके की, कंसिडरेशन भी दे रहे हो सर्विस इम्पोर्ट भी कर रहे हो, सुनना, कंसिडरेशन भी दे रहे हो सर्विस इम्पोर्ट कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो लेकिन रिलेटेड से कर रहे हो, क्या ये सप्लाई है या नहीं? कंसिडरेशन दिया सर्विस इम्पोर्ट की, बिजनेस पर्पस के लिए की, रिलेटेड पर्सन से लेकिन सर्विसेज दी, तो ये सप्लाई है या नहीं? सीधी सी बात, बिजनेस में कभी भी अगर तुम कंसिडरेशन दे के सप्लाई ले रहे हो, उसने तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ले लिया, तो ये सप्लाई है। फिर से इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया, रिलेटेड पार्टी से ही किया, कंसिडरेशन दिया, लेकिन ये बिजनेस पर्पस नहीं, और तुम इंडिविजुअल भी नहीं हो,
तुमने कंसिडरेशन दिया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ली, रिलेटेड पार्टी से ही ली, बिजनेस पर्पस नहीं है, लेकिन तुम इंडिविजुअल भी नहीं हो, क्या ये सप्लाई है? सप्लाई है क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल को इच्छुक, तो ये चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, चार्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यूं तो समझ सब आ गया था, लेकिन जब अप्लाई करने जा रहे हो तो एक बार के लिए फिर से सोचना पड़ रहा है। तो कल हम इसको चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस विल बी माय पे, मैं इसी पैसे पूरा जीएसटी कराऊंगी। हो सकता है दो चार दिन के लिए ऐसा लगे कि बहुत भारी पड़ रहा है, पर जब आदत हो जाएगी ना तब जाके तुमको जीएसटी से ऐसा लगेगा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत, मेरा तो फेवरेट है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरे को जीएसटी लगता है, उसके बाद डीटी लगता है, उसके बाद लॉ लगता है। ठीक है, तो यू विल एंजॉय, लेकिन हाँ थोड़ा ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा कि यही लिंकेज वहां पे काम आएगा, अदरवाइज जीएसटी में। ठीक है, चलो तो कल फिर से मिलते हैं। जिसको लिंक कल की चाहिए एक बार रिक्वेस्ट डाल देना, फ्रेश लिंक कल मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, ओके, होप इट वॉज गुड।